KIIT कॉलेज दोस्तों, ये पर्टिकुलर कॉलेज का तो मैंने भी एग्जाम दिया था और इस एग्जाम को देने का बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था भाई। जीरो में ये फॉर्म फिल हो जाता है, बट इसकी जो फीस स्ट्रक्चर ऐसी है कि इसमें कोई सोच भी नहीं पाता, मेरे जैसे लड़के तो सोच भी नहीं पाते कि इस कॉलेज में एडमिशन्स लेंगे। और मेरा ही एक दोस्त, मैंने दोस्त नहीं मतलब कह सकते हो कि मेरे उस जहाँ पर मैं पहले रहता था उसी के आसपास एक बच्चे ने इसमें एडमिशन लिया था। उसका दुख और दर्द मैं जानकर इस कॉलेज का वीडियो बना रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, KIIT कॉलेज को प्लेसमेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और कन किन जगहों पर ये कॉलेज आपको इंप्रूवमेंट नहीं करता हुआ दिख रहा है इस वीडियो से आप जान सकते हो। KIIT कॉलेज की NIRF रैंकिंग भी है, कलिंगा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा खर्च करती है अपने मार्केटिंग पे और बहुत ज़्यादा इसकी फीस स्ट्रक्चर है, बट इसकी प्लेसमेंट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मेरा इस वीडियो का मोटिव ये रहेगा कि आप इस एडमिशन्स को ले रहे हो तो आप अपना रिस्क लिमिट जो है समझ कर चलो। अगर आप इस वीडियो से समझ रहे हो कि इस कॉलेज को मैं डीफेम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इस कॉलेज ने जो डेटा प्रोवाइड किया है, मेरे पास 2024 का भी डेटा है, बट मैं 2023 का ही डेटा आपको दिखाऊंगा जो कॉलेज में ये आपको फ्रीली इंटरनेट पे NIRF के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे को खुद मिली है, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करके मंगवा सकता हूँ, बट मैं आपको वो दिखा सकता हूँ जो कॉलेज ने खुद प्रोवाइड किया है। 2024 का भी डेटा हम लोग एडमिशन्स के पहले रिवील करेंगे तो उससे जो है व्यूज मिलेंगे। मजाक कर रहा हूँ। तो मेरे को बहुत सारे वीडियोस में कहते हैं भाई व्यूज के लिए कुछ भी करते हो भाई, क्या करूँ, आप लोग शेयर नहीं करते, क्या करूँ, थंबनेल पे ही भरोसा करना पड़ता है। कितनी मेहनत लगती है पता है थंबनेल को बनाने में, एक एक थंबनेल को इतना बकवास बनाने में मेरे को खुद हंसी छूटती है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले। तो डायरेक्ट एडमिशन्स करवाना चाहते हैं किसी भी टॉप कॉलेज में तो आप रीच आउट कर सकते हैं हमारे टीम को, आपको लोग एडमिशन्स के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा, या फिर हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। माई हाईली रिकमेंडेड रहता है कि ऑफिस विजिट करें, डिस्कस करें, और कोई भी कॉलेज हल्दिया, IIM, SEC या फिर अदर कॉलेजेस आउटसाइड इंडिया, मैंने सॉरी आउटसाइड वेस्ट बंगाल, वो सारे कॉलेजेस में, VIT जैसे कॉलेजेस में आपको हेल्प मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि जो है इस पर्टिकुलर कॉलेज में 2023 का डेटा हमें मिला है। इस कॉलेज में अगर आप देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट मैंने अंडर ग्रेजुएट के लिए 3,300 स्टूडेंट्स थे। पहले ये 3,500 स्टूडेंट्स लिया करते थे जब मेरी बारी थी 2019-2020 मेरी एडमिशन्स में। अब उनको लगा है कि भाई प्लेसमेंट्स बड़े ख़राब हो रही है, ज़रा बैच साइज कम करो भाई। तो यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट्स आपके कैंपस में देखने को मिल जाएगा 15,000 स्टूडेंट्स के आसपास, 14,000 स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर आपको बड़ा हेल्दी रेशियो देखने को मिलेगा दोस्तों, 7,000 लड़के 7,000 लड़कियाँ, बहुत ज़्यादा चांस है दोस्तों। अगर आप 18 लाख रुपए खर्च कर रहे हो सो कॉलेज भी आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रही है मार्केटिंग में, सो यू शुड बी इन अ पॉजिटिव नोट। और अगर आप उससे भी अच्छा पॉजिटिव नोट देखना चाहते हो, देखिए यहाँ पर मेल स्टूडेंट्स 87 है और पोस्ट ग्रेजुएट में फीमेल स्टूडेंट्स 131 है। वेरी गुड हेल्दी रेशियो, आई एम वेरी लुकिंग वेरी पॉजिटिव दोस्तों। देखिए बुरा मत मानिएगा अगर आप पेरेंट्स हैं तो, हम लोग देहाती लड़के ये सारे वेब सीरीज चल रहे हैं तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू कॉमेडी की शायद कोई व्यूज आ जाए, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। हमारी ज़िंदगी ऐसी ख़राब है, मेरी कॉलेज पूरी चली गई, मैंने कुछ ज़िंदगी में किया नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं NIRF रैंकिंग जो है, यहाँ पर आपको 40 देखने को मिल रहा है 39। मैं ऑलमोस्ट ये फोर्थ वीडियो शूट कर रहा हूँ आज के दिन, सो दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग सम कॉमेडी जस्ट कि मैं हेल्दी रह पाऊँ। इसके बाद अब जो है यहाँ पर 3,500 के बाद 3,700 स्टूडेंट्स, देखिए कितना इंटेक है इनके पास 3,450 का, उन्होंने इंटेक कितना कर लिया है ये देखिए आप 3,753 का। मतलब इतनी अच्छी मार्केटिंग ये कर लेते हैं ना आप पारिएगा नहीं, मतलब 3,400 स्टूडेंट के बैच में भी ये 3,800 स्टूडेंट को घुसा देते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं भाई, जो भी बोलो, मतलब सोच रहे हो कि आपके घर में जगह इतनी है पर आप उसके अंदर सामान इतना डाल देते हो। आई एम वेरी लुकिंग वेरी पॉजिटिव। यहाँ पर भी आप ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत कम की है, देखिए 3,400 स्टूडेंट हमेशा रहते हैं, वो 3,700 स्टूडेंट्स को डाल दिए, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है मार्केटिंग में, मतलब जी फाड़ दिए। कॉलेज वाले बड़े खुश हैं उनके मार्केटिंग टीम से, आई एम वेरी हैप्पी। अगर मैं इनका जो है डीन होता या फिर कॉलेज कमेटी में एडमिशन कमेटी का हेड होता मैं तो बहुत खुश होता भाई, बड़े पैसे आ रहे। मैंने सोचे थे 100 रुपए देंगे, ये तो मेरे को 150 रुपए दे रहे। ऐसा केस है। सो यहाँ पर हम लोग देखे तो दोस्तों आपको चिंता करने की ऐसा जरूरत नहीं है कि यहाँ पर पास नहीं होंगे स्टूडेंट्स, हो जाते हैं फिर भी 100 स्टूडेंट्स तो पता है आपको फेल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से फेल कोई नहीं होता होगा दोस्तों, फीस नहीं दे पा रहा होगा तो बोल रहा होगा कि छोड़ दो।
लैटरल एंट्री में भी एक स्टूडेंट से यहाँ पर आ जा रहे हैं। आई एम सॉरी। आप यहाँ पर एक चीज देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पहले एक एक चीज देखिए। 3,771 स्टूडेंट पास आउट होते हैं 2020 में, 1,800 स्टूडेंट को यहाँ पर 48% का प्लेसमेंट मिलता है। सो आई थिंक सो ये कॉलेज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। पर फीस वाला बात दोस्तों पर्सनली ये कॉलेज को कोई मीन नहीं है कि मैं फीस वाला जो बात है दोस्तों, क्योंकि मेरे को जब फोन आता था जब मैं KIIT में था, वो बता देते 18 लाख 17 लाख, एंड रियली मेरे को डीमोटिवेशन लगता था क्योंकि मैं ये सारी चीजें कर नहीं पाया। VIT में एडमिशन मिलने पर भी हमको छोड़ना पड़ा जब, तो बहुत दुख हुआ था। पर उतना नहीं जुगाड़ कर पाएंगे ना, और साथ में क्या है कि हमको हेरिटेज में जैसे बता रहे थे कि मेरा रैंक में हेरिटेज कॉलेज में मुझे काफ़ी पसंद आया था उसका कैंपस वैम्पस, और 2-2.5 लाख रुपए मांग रहे थे डोनेशंस, तो उस समय नहीं पॉसिबल था, नहीं दे पाए। सो जरा मन में रह गया वो सारी चीज़ें, लड़ लिए घर पे, ऐसा बोलने लगे कि जो है कि क्यों नहीं करवा पाएंगे। पर अब लगता है कि क्या कर सकते हैं, देखिए एक्सेप्टेंस इज द रियल की। सो इसीलिए जरा हंसी आ गई। सो यहाँ पर हम लोग समझे, मैं इसको कट भी नहीं करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि लोग देखें समझें और इन चीजों को जाने। 3,770 स्टूडेंट्स में से 1,800 स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिलता है, विच इज 50% ऑफ प्लेसमेंट। मतलब जो जो फीस आपने डाला, सोच के रखिए 48% को प्लेसमेंट मिली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल इसका बुरा हुआ है, सेकेंड ईयर में आप देखें जब इसका बाद जो होता है, तो ये कॉलेज 3,800 स्टूडेंट में सिर्फ 2,000 स्टूडेंट को प्लेस कर पाती है, 51% का प्लेसमेंट है। आप इस पे ये जो हायर स्टडीज है इसको 200 स्टूडेंट, ये जो 70 स्टूडेंट्स इनको प्लस कर लीजिए, तब भी ये नंबर आपको ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, 53-54% प्लेसमेंट है, सिर्फ इतना ही परसेंट का प्लेसमेंट होता है। इसके बाद की अगर हम लोग बात करें, जब ये मार्केट सबका बहुत ही बेहतरीन था, सब कॉलेज अच्छा अच्छा प्लेसमेंट करवा पा रहे थे, जब आपने देखा होगा कि VIT ये सब के वीडियोस भी हमने डाल रखे हैं, उन कॉलेजेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो ये कॉलेज ने अच्छा परफॉर्म किया 46% का प्लेसमेंट देकर। सो मेरे ख्याल से दोस्तों कॉलेज की प्लेसमेंट कमेटी को भी उतना ही वर्क करने की जरूरत है जितना इनकी मार्केटिंग कमेटी करती है फॉर एडमिशंस। सो यहाँ पर जो है फिर से मार्केटिंग कमेटी पे आ गया है। सो यहाँ पर हम लोग बात करें दोस्तों, तो प्लेसमेंट की कड़ी जरूरत है। अगर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट में देखते हैं, सो 100 स्टूडेंट में से 100 स्टूडेंट ही प्लेस हो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं प्लेस हो पाते, इसलिए इनका नंबर भी आपको 8 लाख देखने को मिलेगा। मीडियन पैकेज, मीडियन पैकेज में भी कॉलेज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। मीडियन पैकेज वो होता है दोस्तों जिसके आगे 50% बच्चे होते हैं, 50% पीछे होते हैं। 4.5, 6.5, 4.5, ये क्या नंबर है भाई, इनके फीस के साथ जस्टिफाइबल भी नहीं है इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट्स को। तो मेरे ख्याल से दोस्तों कॉलेज को ये देखिए, ये जो डेटा है ये NIRF के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ये कॉलेज ने ही सबमिट किया, बस मैंने इसको अच्छे से तोड़ मरोड़ के आपको दिखाया है कि मैंने बस नंबर्स को क्रंच कर दिया, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। सो यहाँ पर टोटली मैंने ये सारी चीज़ों को कवर किया और मैंने इन डेप्थ उतना घुसा भी नहीं। सो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि एक एनालिसिस लें कि 6.5, 4.5 इनके फीस के साथ जस्टिफाइबल है या नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वो तो दोस्तों चलिए ठीक है, 4.5 का ही प्लेसमेंट दे, हमको बुरा नहीं लगता। बट मेरा बुरा ये बात का है कि जब 50-40% का प्लेसमेंट, 39 का NIRF रैंकिंग, कितने सारे IITs से ऊपर है ये, और ये नंबर जस्टिफाइबल ही नहीं है कि 30-48% प्लेसमेंट्स इन सारे कॉलेजेस में मिले मेरे हिसाब से। बट फिर भी मिल रहा है तो बुरा नहीं है, जिनको अच्छा लग रहा है जाएं मेहनत करें, मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं है। इनका टारगेट भी उन्हीं स्टूडेंट्स है जो हिंदी ना समझे। सो मेरे हिसाब से दोस्तों कि इस कॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये कॉलेज अगर चाहे तो जितना इनके पास फंड्स हैं इससे ये बहुत कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उड़ीसा में जो गवर्नमेंट अभी पहले बैठी है, अभी वो काफ़ी मेहनत कर रही है, एसेंचर, EY, बहुत सारे कॉग्निजेंट ने अपना ऑफिस खोला है वहाँ पर। सो अब जो है इनके प्लेसमेंट्स में इम्प्रूवमेंट आ सकता है अगर वो खुद ही उनसे टाई अप्स करने की कोशिश करें। अगर कॉलेज मेहनत करेगी तो ये कॉलेज कर सकती है, ये बात श्योर है, क्योंकि इसके पास इतना फंड्स है। बट इसके हिसाब से, बट अभी जो करेंटली ये कॉलेज परफॉर्म कर रही है, विच इज एट ऑल नॉट जस्टिफाइबल टू इन्वेस्ट हियर करेंटली। मतलब जो बच्चे वेस्ट बंगाल आसपास से हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो वेस्ट बंगाल किसी कॉलेज में। अभी मेरे बोलोगे आप ही से ले लो तो दोस्तों बिजनेस तो मेरा भी है, मैं हम भी डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
बट बिजनेस सभी का रहता है, बट मे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इज कि आपको नहीं लगता इंप्रूव करने की जरूरत है? आपको पर्सनली क्या लगता है, आप मुझे लिख के बताओ। ओके, आईआईटी के 4000 स्टूडेंट्स से अगर 4000 स्टूडेंट्स मिलकर भी इस वीडियो को डिसलाइक करते हैं ना, तो चैनल गया। नहीं दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता है कि यही असलियत है, और एट द एंड आप डिसलाइक करोगे तो आप ही को तो फेस भी करना पड़ेगा। सही, हो सकता है कि ये वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो कॉलेज में, और जो है इम्प्रूवमेंट्स है, और मैं जो हंसी मजाक किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी ऐसा फेस कर रहे हैं कि आप डोनेशंस नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं, या फिर आपको मन चाहा वो कॉलेज नहीं मिल रहा, आपकी प्रिपरेशंस भी उतनी अच्छी नहीं है, आपको उतने रिसोर्सेज नहीं मिले आपके पढ़ने के लिए, सो हताश मत होइए। आप भी अपना करियर शुरू कीजिए, कोई अच्छी सी कॉलेज में करियर शुरू कीजिए। हो सकता है कि आप मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हों, और हमने देखा है कि मेरे ही कॉलेज में, मेरे ही बैच में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं तो, मेरा जो क्लास का टॉपर था वो तो एकदम ही दोस्तों की बंगाली मीडियम से आया था, द हिंदू एक नाम का कॉलेज स्ट्रीट में स्कूल है वहाँ से, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल, इवन मोर देन द यहाँ जो मीडियम पैकेज है उससे 50% ज़्यादा उसकी जो है पैकेज है करेंटली, एंड बाय द डे वो बिग फोर में है, वो बाद में इम्प्रूव भी करेगा। सो ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो सिर्फ अच्छे स्कूल से आता है उन्हीं का करियर बनता है, या फिर वो ऐसा नहीं है जो अच्छी जगहों पर जाते सिर्फ उन्हीं का करियर बनता है। मेरे हिसाब से दोस्तों आप मेहनत करते हैं, आपकी जहां से भी करियर स्टार्ट होती है यू कैन इम्प्रूव, और आपको भी अगर इन सारी चीज़ों से हताश हो रही है तो नहीं हो सकती। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह बने आप, मैं चाहता हूँ कि आप आपकी तरह बने, अच्छा बने और आगे इम्प्रूव करें। सो ये आपको मिल सकता है ओनली इफ यू वर्क हार्ड। तो ये मेरा मोटिव था ओवरऑल में। अगर आपको ये सारी चीज़ें बकवास लगी तो मुझे भी बकवास ही लग रही है। सो ऐसे में मेरा मोटिव है कि आप लोग खुश हों, और ज़्यादा जितना ज़्यादा अच्छा आप इम्प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा आपके करियर को प्रोग्रेस मिल सकता है, और इस कॉलेज को भी ज़रा से इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।